मेमो स्कैंडल केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि पाकिस्तानी जिंदा कौम है, मेमो में जो कुछ लिखा है उसे बर्दाश्त नहीं करते। मेमो केस में बाबर अवान की मुतनाजा तकरीर से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का नया तहरीरी बयान सुप्रीम कोर्ट में जमा। अदलिया का एहतराम करता हूं, वज़ीर-ए-आज़म का मौका। वीर भुट्टो की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है, काफलों की कड़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला जारी। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि आइन से मुनहरिफ हुए तो इदारों में तसादुम का खतरा है, किंग्स पार्टी किंग के साथ ही खत्म हो जाती। नेटो को सप्लाई मुफ्त में बहाल नहीं करेंगे, अमरीका इतिहादी है तो उसे हमारे मुफादात का ख्याल रखना होगा, वजीर दिफा अहमद मुख्तार की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। नेटो हमले की तहकीकाती रिपोर्ट जारी, नेटो एहलकारों ने 90 मिनट की जाया किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐसे वाकयात से बचने के लिए पाकिस्तान से अफगान सरहद के करीब अपनी तनसीबात के नक्शे मांग लिए। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी शोबे में तमाक साजी के लिए मुजाकरात, शाम को मुश्तरक ऐलानिया जारी किया जाएगा।